आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के बारे में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई। यह सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकारों को सम्मान स्वरूप 2,00,000 की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका एवं शॉल श्रीफल प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं और 1 बार रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुष कलाकार को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकारों का अलंकरण महेश्वर में 19 नवंबर 2021 से आरंभ होने वाले निमाड़ उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान श्री कैलाश चंद शर्मा को दिया जाएगा। यह सुप्रतिष्ठित चित्रकार है। यह राजस्थान राज्य के राजधानी जयपुर से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान श्री विक्रम यादव को दिया जाएगा। यह सुप्रतिष्ठित बांसुरी वादक है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान डॉक्टर भारती बंधु को दिया जाएगा। यह ख्यात कबीर गायक है। डॉक्टर भारती बंधु को 5 अप्रैल 2013 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान श्री तिलकराम पेंद्राम को दिया जाएगा। यह प्रतिष्ठित जनजातीय कलाकार है।